गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज चुके सुबह के 7 और आज राज बना रहे चाय और चॉकलेट मिल्क वगैरह सब। तो आज हमने सुबह सुबह सोचा कि आज आप करेंगे जैसे, तो आज मेरे ठीक है। और वैसे मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, सर्दी हो रही मेरे को इसलिए। और मेरी भी, परी की भी तबीयत ख़राब है, परी को भी सर्दी हुई। तो फिर आज सुबह की ड्यूटी राज ने ली अपने हाथों में। तो राज बना रहे चाय और चॉकलेट में, और परी मैडम जस्ट अभी अभी उठी है। तो परी को सुबह सुबह फ़ोन में दिखाना या फिर किसी से बात करना पसंद नहीं, जब तक उसकी नींद पूरी तरह से खुले नहीं तब तक। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, दिखाती हूँ आज कैसे क्या कर रहे हैं वो सब, और देखते आज का दिन कैसे जाता है। काय परत, गुड मॉर्निंग। सो अभी परी एकदम फ्रेश हो गई ना, इसलिए अभी गुड मॉर्निंग करी। चल अपन बघूया डायडा काय बनवतोय आपल्याला। चहा कॉफी बनली की नाही आपली? चहा चॉकलेट मिल्क। चाय के दे, ये क्या है? चाय। ओके ओके। और फ्रेंच टोस्ट। ओहो, थैंक सो मच। सो या हियर इज अ चाय। तो आज है मदर्स डे, तो आप सबको हैप्पी मदर्स डे। मेरे बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहे, मुझे कमेंट्स भी आ रहे कि ब्लॉग नहीं आ रहे। तो हाँ, मैं जल्दी से कंटिन्यू होने की कोशिश करूँगी। राज जाए थोड़ा बाहर। राज को मुझे सरप्राइज देना भी नहीं आता। एक्चुअली वो गए मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए मदर्स डे के ऊपर, मदर्स डे के लिए परी की तरफ से। और वो आ जाके मुझे फ़ोन कर से तुम्हें ये चाहिए कि वो चाहिए, ऐसा चाहिए कि वैसा चाहिए। तो मतलब वो सरप्राइज ही नहीं दे सकते मुझे, मतलब उनको नहीं जमता है। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे से जमता है सरप्राइज, अगर मैंने प्लान किया तो मैं पूरा वो सरप्राइज रखती हूँ, लेकिन साथ नहीं रख सकते। उन्होंने मुझे बताया नहीं कहाँ जा रहे हो, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरे को काम है थोड़ा सा करके गए। वहाँ पर जाके थोड़े टाइम के बाद फ़ोन कर दी, तुमको ये चाहिए कि वो चाहिए। और मैं भी उल्टा इतनी पागल हूँ, मैं बोलती इसका भाव बहुत ज़्यादा है, ये मत लो यहाँ से, मत लो यहाँ पे भाव ज़्यादा, हम कहीं और से लेंगे। बोले तुमको क्या करना है, तुमको लेना है तो चुपचाप लो ना, ये चाहिए कि वो चाहिए वो बोलो। तो ना हम एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। तो फाइनली फिर मैंने बोला कि भाई जो आपको करना है वो करो। तो और क्या होता है ना, अगर आपके सामने कोई चीज़ डायरेक्ट आ गई ना कि हाँ ये तुम्हारे लिए, तो वो हमें पसंद आ जाता है क्योंकि हमें वैरायटी नहीं मिलती। लेकिन अभी जब वैरायटी मिलती है ना, ये चाहिए ऐसा चाहिए कि वैसा चाहिए, फिर कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ मैं। और वो भी अगर अचानक से फ़ोन करके या वीडियो कॉल करके पूछो ना, तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी मैं, ये नहीं चाहिए, ये देखो वो कैसा है, ये ऐसा है क्या, इसको ये है क्या, उसको वो है क्या। लास्ट में मैंने बोला आपको जो पसंद आए वो लेके आओ जाने दो। पर ये है कि वो जो मेरे को बोल के गए थे ना, मैं मेरे काम से जा रहा हूँ, मुझे पता चल गया कि क्या काम से गए हैं, वो काढ़ा है ना फोटो। सो बस यही, तो अभी आ जाएंगे तो देखते क्या लेकर आते हैं। मैंने लास्ट में बोला कि जो आपको सही लगे वो लेके आओ, ठीक है चलेगा कोई भी। और मेरे काम वगैरह सब हो चुके हैं, अभी फिलहाल तो मैं बैठी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। अब आजकल हमारा पानी एकदम ठीक से हो गया, यानी पानी एकदम टाइम पे आता है, इसलिए मेरे सारे काम भी सुबह जल्दी हो जाते हैं। और परी बाकी सब ठीक चल रहा है, आज परी को ट्यूशन में भी छुट्टी थी, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। मैं आपको राज आने के बाद दिखा दूँ उन्होंने क्या लाया है। हाँ ए परी, इकड़े कॉन्टिनेंट सा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सुपर। तो परी को ये सब भी होता है। परी हमारी बहुत होशियार है, मतलब होशियार है ना परी, अजून काय होतं परीला? अभी तो इतनी बात करने लगी है, बड़ 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 करती रहती है बस, बड़ 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 बड़। परी व्हाट डज द मेलिना से? यो यो यो। एक्चुअली वो शिनचैन जो कार्टून आता था ना, तो
तो उसमें का एक सीन है शिनचैन का, तो वो एक दो बार मेरी नानी परी के सामने करके दिखाया, तब से उसको याद है कि मेरी नानी दीदी क्या करती है और हमें इसके दिमाग में बिठा दिया। परी मेलना दीदी, व्हाट डज द मेलना दीदी से, वही है, और वो ऐसे डांस भी कर रही थी हाथ वाथ ला के। तो चलिए मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद, अभी तो बस रेस्ट चल रहा है और आज है संडे और आज हमारा खाना है भिंडी की सब्जी रोटी। बाय बाय, क्योंकि आज सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी में नॉन वेज कुछ बनाने का टाइम नहीं था, वेज तो वेज चलेगा और रात को जॉब पे जाना आने के बाद तुरंत, तो इसीलिए फटाफट। सो गाइस तो चलिए मैं आपको ये वाली बैग लेकर आए हैं राज मेरे लिए परी की तरफ से बर्थडे सॉरी मदर्स डे गिफ्ट, एंड ये सैंडल्स आल्सो, टू टू गिफ्ट मिले आज मुझे, और ये परी का पसारा। तो बैग काफ़ी अच्छी है, मस्त लेदर की है, ये बेल्ट है और ये इसके अंदर का स्पेस, काफ़ी स्पेस भी है। मुझे इस बारे में जीना है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं। तो गाइज अभी हो चुकी है शाम और शाम को हम गए थे डी मार्ट, तो हमें डी मार्ट से कुछ लेना था, कुछ अर्जेंट था इसलिए तो हम जा रहे थे डी मार्ट। और एक्चुअली ना ये अभी हमारे यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता बना है डी मार्ट जाने का, और इतना अच्छा व्यू आ रहा था, मतलब मुझे बहुत पसंद है, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। ये ना एक्चुअली यहाँ पे छोटे छोटे गाँव थे, तो गाँव देखने में इतने अच्छे लग रहे थे, और थोड़ा सा ये था जंगल जैसे था ग्रीनरी, और यहाँ पे नमक की खेती, तो मैंने वो भी देखी, ऐसे मस्त नमक के ये बने थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और शाम का व्यू देखिए, शाम को हम 5:30-6 बजे थे और इतना अच्छा लग रहा था, एकदम मस्त लग रहा था जाते टाइम। और बस हमने ओला से ऑटो बुक की थी, एक्चुअली मुझे टैक्सी में वोमिटिंग होती है इसलिए फिर हमने ऑटो बुक की और फिर ऑटो से गए थे। तो बस ये था आज का ब्लॉग, यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। डिमांड से क्या लेना है ये मैं अपने आप फिर शेयर करूँगी, कभी बताऊँगी। तो बस ये था ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ जब आप वीडियो देख रहे होते हो तो एक लाइक कर दीजिए, लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।